हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का गति चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज हम कुछ विस्थापन पे न्यूमेरिकल लगवाएंगे, फिर आपको बताएंगे चाल क्या होता है, वेग क्या होता है और त्वरण क्या होता है। 2-3 परिभाषा आगे देखेंगे। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद फिर हम उससे रिलेटेड ग्राफ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, आप ग्राफ कैसे बनाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे हल करने के लिए, आज उसका हम सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए इधर हम आप लोगों को दिए थे क्वेश्चन, इसमें क्या था बच्चों, ये वृत्त था जिसका त्रिज्या क्या था हमारा आर था। हम कहां से चले थे बच्चों, बिंदु ए से चले थे और ए से घूमते घूमते हुए कहां पहुंचे थे, बिंदु बी। फिर मैंने आपसे पूछा था बच्चों कि ए से बी तक जाने में दूरी कितना होगा, दूरी कितना होगा। ठीक है, उसके बाद विस्थापन कितना होगा, ये 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछा। ठीक बच्चों, चलिए दूरी के बारे में पहले बता देते हैं बच्चों। दूरी देखिए कितना है बच्चों, ये पूरा एक तरह से परिधि का क्या है बच्चों, आधा। हमने कितनी दूरी तय की, परिधि का आधा। तो बच्चों वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ये 2πr का बच्चों कितना हो जाएगा, 2πr। रेडिएशन कैपिटल आर लिखे तो कैपिटल आर लिख दे रहे हैं बच्चों। वृत्त की परिधि क्या हो गया, 2πr। तब AB की दूरी, AB की दूरी कितना हो जाएगा, परिधि का आधा बच्चों, तो कितना आ जाएगा आंसर, πr। तुम्हारी दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, πr। अब बच्चों हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, इसका विस्थापन। तो बच्चों विस्थापन में हम आप लोगों को एक चीज बताया है, विस्थापन में हम क्या देखेंगे, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को ध्यान देते हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या है, प्रारंभिक बिंदु, और ये है क्या हमारे अंतिम बिंदु। इन दोनों को मिला देंगे एक सीधी लाइन। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक सीधी वाली जो रेखा है वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, विस्थापन। और ये विस्थापन बच्चों बराबर किसके होगा, ये रेडियस हमारा आर है बच्चों, तो ये भी कितना होगा, आर ही होगा। तो टोटल विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, आर प्लस आर मतलब 2r। अर्थात विस्थापन होगा बच्चों डायमीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए बच्चों हम ए से बी गए 6 मीटर, कितना है बच्चों 6 मीटर। ए से बी हमने कहा गए 6 मीटर, फिर हम बच्चों बी से कहा चले गए, सी चले गए 8 मीटर। हम पहले बच्चों ए से कहा चले गए, बी गए, फिर बी से कहा चले गए बच्चों, सी गए चले गए। ए से बी गए और बी से भी कहा चले गए, सी। तो आपको बताना है बच्चों चली गई दूरी, चली गई दूरी और विस्थापन कितना होगा, चली गई दूरी और विस्थापन कितना होगा। तो आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों, सॉल्व करिए आप, ट्राई करें। ठीक, चलिए हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं कि दूरी कितना होगा बच्चों और विस्थापन कितना होगा। तो बच्चों दूरी बराबर क्या होगा, चाहे जैसे भी जाए दूरी आपस में हम क्या करेंगे, सारे सारे के सारे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ए से बी गए बच्चों, फिर बी से सी चले गए। तो दूरी चूंकि हमारे क्या सिर्फ और सिर्फ परिमाण पर डिपेंड करेगा बच्चों, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो बच्चों ए बी प्लस क्या हो जाएगा यार, ए बी की वैल्यू है बच्चों 6 मीटर और बी सी हमारा 8 मीटर, कितना हो जाएगा बच्चों 14 मीटर। हमने दूरी कितना तय किया बच्चों, 14 मीटर। अच्छा, अब आपसे फिर कोई आगे पूछेगा कि विस्थापन कितना होगा बच्चों। तो विस्थापन के लिए हम बताए बच्चों प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इन दोनों को हम मिला लेते हैं बच्चों। तो इन दोनों रेखा को मिला,
ये हमारी प्रारंभिक बिंदु, ये हमारी क्या हो गया बच्चों अंतिम बिंदु, सॉरी ये प्रारंभिक बिंदु होगा, ये अंतिम बिंदु हो गया। तो ये जो हमारी दूरी होगी यही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों विस्थापन। तो ये देख रहे हैं बच्चों ये किस तरह का त्रिभुज बन जा रहा है बच्चों, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और बच्चों समकोण त्रिभुज में जाते हैं बच्चों कर्ण का स्क्वायर बराबर एसी, हमारा क्या है बच्चों कर्ण है, तो एसी का स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एबी की वैल्यू बच्चों 6 है और बीसी की वैल्यू क्या है 8 है, तो 6 6 36 प्लस 8 54 ऐड करेंगे बच्चों 100 आ जाएगा। अब वर्गमूल निकालेंगे बच्चों एसी की वैल्यू कितना आ जाएगी 10 मीटर, इसका मतलब हमारा ये दूरी कितना हो जाएगा बच्चों 10 मीटर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य तो विस्थापन कितना हो जाएगा बच्चों 10 मीटर, कितना हो जाएगा विस्थापन 10 मीटर और दूरी हमारी कितनी होगी बच्चों 14 मीटर। ठीक है नोट कर लीजिए क्वेश्चन, नोट कर लीजिए फिर अगला क्वेश्चन बोलते हैं। हो गया चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहे हैं। चलिए बच्चों इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। मान लीजिए बच्चों अब हम ए से कितना गए 3 मीटर, कितना गए 3 मीटर बच्चों, बी तक पहुंच गए, फिर बी से हम डी गए, बी से कहां गए बच्चों सी, ये कितने गए मान लेते हैं बच्चों 8 मीटर गए, फिर सी से कहां गए बच्चों डी चले गए, कहां गए डी, डी भी कितना गए बच्चों 3 मीटर, कितना गए डी भी हम 3 मीटर चले गए। तब प्रश्न आपसे पूछिएगा पहला प्रश्न क्या है, कुल विस्थापन और कुल दूरी कितना हो। ठीक बच्चों सेम क्वेश्चन है, कुल विस्थापन कितना होगा और कुल दूरी कितनी होगी। ठीक है बच्चों वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, ठीक है सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए हो गया हम अब लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक बच्चों तो हम आप लोगों को बताए हैं दूरी हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा परिमाण पर निर्भर करेगा, तो डायरेक्टली दूरी को हम सारे दूरियों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो बच्चों दूरी बराबर हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी बच्चों 3 मीटर 8 मीटर है प्लस 3 मीटर जोड़ेंगे, ये भी कितना आ जाएगा बच्चों 14 मीटर, कितना 14 मीटर। अब प्रश्न आता है बच्चों विस्थापन कितना होगा, तो बच्चों सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाएंगे, विस्थापन के लिए हम क्या बोले हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इन दोनों को क्या करते हैं बच्चों मिला देते हैं। ठीक है तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों विस्थापन हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा ये दूरी हम निकाले कैसे, तो बच्चों ये दूरी भी वैसे निकालेंगे जैसा प्रीवियस प्रश्न में लगाए थे हम लोग। तो क्या करेंगे बच्चों ये भी एक समकोण त्रिभुज है और हम बनाएंगे कैसे देखिएगा, हम इसके समांतर एक लाइन इसे डॉट एंड चिन्ह और डी को इससे क्या करें बच्चों ठीक। तो बच्चों नाम हम इसका दे देंगे मान लीजिए ई है, बच्चों ये 3 मीटर है तो बच्चों बाय डिफॉल्ट ये भी कितना होगा 3 मीटर, क्योंकि ये और इसके क्या है समांतर है और ये इसके समांतर बच्चों ये 8 मीटर तो ये भी कितना होगा 8 मीटर। अब देखो बच्चों ये त्रिभुज कैसे बन गया, इस टाइप त्रिभुज बन गया, ये तो आपका हो जाएगा ए या ई हो गया और ये क्या है बच्चों बी, ये हमारा 8 है टोटल ये हमारा 6, तो हमें ए डी निकालना बच्चों सेम चीज निकालेंगे, ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा डी ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का, ये बच्चों 64 प्लस 36 कितना आ जाएगा बच्चों 100, ए डी की वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा बच्चों 10 मीटर।
चलिए बच्चों भी एक और अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन जो होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा टफ है पर ज्यादा नहीं है लेकिन अच्छा है। ठीक बच्चों, मान लीजिए बच्चों क्या ये वृत्ताकार पाथ है। हमने स्टार्टिंग कहां से किया बच्चों, ए जिसका केंद्र बिंदु क्या है ओ है, रेडियस माना थे बच्चों आर है। ठीक है बच्चों, हम ए से कहां गए बच्चों बिंदु बी पे, जैसा कि पहले भी ऐसे लगाया था क्वेश्चन, ए से कहां गए बच्चों बी पे से। तो प्रश्न है आपका, ए से बी तक जाने पर चली गई दूरी और विस्थापन कितना। ठीक है बच्चों, चली गई दूरी और विस्थापन कितना होगा। तो बच्चों इसमें भी वही प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों हम पहले दूरी की बात करते हैं। अब देखो बच्चों हम यहाँ पे गए, थोड़ा सा इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे मिला दिए और इसको डॉटेड लाइन यहाँ से। तो बच्चों हम देख रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक गए, ए से बच्चों बी तक गए, और ये यहाँ से तक का जो भाग है बच्चों पूरे वृत्त का एक चौथाई भाग है बच्चों, कितना है एक चौथाई। तो हम जानते हैं पूरी वृत्त की जो दूरी होती है बच्चों वो 2πr मतलब परिधि के क्या होता है बच्चों बराबर होता है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा बच्चों 2πr, ये परिधि के बराबर हो जाएगा और ये उसका क्या बच्चों एक चौथाई भाग। तो हम इस चार से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों पाई आर बाई टू आ जाएगा। इसका मतलब है बच्चों हमारी दूरी कितनी आ जाएगी पाई आर बाई टू। ठीक है, दूरी हमारी कितना हो गया बच्चों पाई आर बाई टू। अब बात करते हैं बच्चों विस्थापन की, बात करते हैं विस्थापन। तो बच्चों विस्थापन के लिए हम क्या बोले हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बच्चों क्या करेंगे मिला देंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक, अब बच्चों ये भी आर है और ये भी क्या है बच्चों आर है, ये एंगल क्या 90 डिग्री। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, ये समकोण त्रिभुज जिसमें आधार ये है और ये क्या है लंब है। तो बच्चों कर्ण हमारा क्या बनेगा ए बी बनेगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे बच्चों, ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों प्लस ओ बी, ये भी आर स्क्वायर है बच्चों ये भी आर स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा 2r² ए बी बराबर बच्चों कितना आ जाएगा अंडर रूट 2r² तो कितना आ जाएगा आर। इसका मतलब बच्चों विस्थापन हमारा कितना आ जाएगा आर कड़ी में 2, ये क्या हो जाएगी बच्चों विस्थापन की वैल्यूज। ठीक है बच्चों, यहां से हम देख सकते हैं तो विस्थापन जब भी हमारा क्या है बच्चों दूरी से हमेशा क्या है छोटा। हम आप लोग को बताए थे एक ही कंडीशन ऐसा है जिसमें दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होगा, और वो क्या है बच्चों जब हम दोनों एक क्या करें एक सीधी रेखा में गति करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु हमारा अगर सीधी रेखा में गति करेगा बच्चों उस कंडीशन में दूरी और विस्थापन दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। ठीक है बच्चों, चलिए और भी क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड लेकिन चलिए बहुत हो गया, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हम घुमा देते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करा देते हैं आप लोग, मिटा दे रहे हैं बच्चों नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन बच्चों चलिए बच्चों ये मान लीजिए सेम चीज ये वृत्ताकार पथ है, क्या है बच्चों वृत्ताकार पथ, ये आपका केंद्र बिंदु है मान लीजिए और एक यहां से हम स्टार्ट किए बच्चों कहां गए बी तक, ऐसे स्टार्ट किया हमने बच्चों कहां गया बी तक गए, जो कितना सेंटर पे केंद्र पे कितना एंगल बना रहा है बच्चों 120, कितना एंगल बना रहा है 120 डिग्री। तो अगर बच्चों इस प्रश्न में अगर आपसे कोई कहे कि हम कितना दूरी तय किए तो कैसे आप लोग लगाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए हमें बताना है ए से बी तक जाने में चली गई दूरी कितना। ठीक बच्चों,
तो दूरी देखिए, ए से हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों, बी तक जा रहे हैं, ए से कहाँ जा रहे हैं, डी जा रहे हैं। तो हमको बच्चों ये दूरी निकालना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ भी ऐसा कोई चीज नहीं है कि हम डायरेक्टली बाई फॉर्मूला बेसिस पे निकाल सकते हैं, कोई कुछ ऐसा नहीं है। तो बच्चों तो एक हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पूरा 130 डिग्री में कितना होता है बच्चों, 360 में 2 पाई आर के बराबर। तो बच्चों 360 कितने के बराबर होता है बच्चों, पर डे टोटल 2 पाई आर के बराबर। तो एक पे कितना डिग्री पे होगा बच्चों, 2 पाई आर बाई 360। तो बच्चों हम कितना डिग्री गए, 120 पे, 120 पे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इनटू क्या करेंगे 120। तो 120 तीन बार कट जाएगा, बातें हैं 36। तो बच्चों क्या आ जाएगा, 2 पाई आर बाई 3। तो बच्चों हम कितना दूरी तय किए ए से बी तक जाने में, 2 पाई आर बाई 3। ठीक बच्चों। अच्छा बच्चों अगर मान लीजिए अगर प्रश्न आपसे पूछ लेता कि विस्थापन कितना होगा, तो बच्चों विस्थापन के लिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रश्न ए से बिंदु बी को क्या करेंगे, मिला देते हैं। क्या करेंगे बच्चों, मिला देते हैं। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन का विस्थापन निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम तो है नहीं। मान लीजिए कि रेखा खींचेंगे बच्चों, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये सारी दूरी आपको बिल्कुल नहीं मालूम है, तो इसमें हम विस्थापन निकालना इतना आसान नहीं। ठीक है, तो आपसे विस्थापन पूछेगा भी नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली विस्थापन इसका नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, आज का क्लास अब यहीं पे विराम देते हैं, अगले दिन फिर अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।